आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एलिवेटर्स के अंदर कई टाइप के सेफ्टी मैकेनिज्म लगे रहते हैं। यदि एलिवेटर की रोप टूट गई या फिर एलिवेटर कहीं बीच में फंस गया तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलिवेटर की वर्किंग को इस एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट को ही एलिवेटर बोलते हैं और जब हम लिफ्ट में एंटर करते हैं तो हम कुछ ऐसे डिब्बे में एंटर करते हैं, लेकिन यह केब एक फाइनल आउटपुट है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड मशीन रूम होता है। मशीन रूम बिल्डिंग का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है वहां पर सेट रहता है और इस रूम में लिफ्ट का कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है। केब से हम जो भी इनपुट देते हैं कि कौन से फ्लोर पर जाना है, यह इनपुट सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचता है और कंट्रोल यूनिट लिफ्ट को रोकना, स्टार्ट करना, गेट ओपन एंड क्लोज करना, मोटर को रोकना, ब्रेक लगाना, यह सब इसी यूनिट के अंडर आता है। लिफ्ट को अप डाउन करवाने के लिए एक पावरफुल थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि लिफ्ट जब रेस्ट पोजीशन से रनिंग कंडीशन में आती है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है और स्टार्टिंग में हाई टॉर्क डीसी मोटर के अलावा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से इजीली लिया जा सकता है। मोटर के आगे एक व्हील लगा रहता है जिस पर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। लिफ्ट जिस भी फ्लोर पर रुकती है वहां पर यह ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और लिफ्ट को रोकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में सोलेनोइड असेंबली होती है। जब सोलेनोइड सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है तो ब्रेक पैड कुछ इस तरीके से व्हील पर जबरदस्त फोर्स लगाते हैं और व्हील को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि ब्रेक पैड पर लगी स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है और जब लिफ्ट को स्टार्ट करना होता है तो सोलेनोइड सिस्टम को सप्लाई दी जाती है, तो इसमें एक प्लंजर लगा रहता है कुछ इस टाइप का और इसके दोनों साइड में सोलेनोइड कॉइल लगी रहती है। जैसे ही इन कॉइल में सप्लाई मिलती है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और यह कॉइल प्लंजर को नीचे की तरफ पुल करेगी, जिससे प्लंजर लीवर आर्म पर फोर्स लगाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ब्रेक पैड व्हील से दूर हो जाएंगे और लिफ्ट चलने लग जाएगी। इस ब्रेकिंग मैकेनिज्म के आगे वॉर्म गियर का सेटअप लगा रहता है। वॉर्म गियर हाई टॉर्क जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ गियर लगा है जो मोटर की शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको वॉर्म बोलते हैं और इसके ऊपर राउंड गियर लगा रहता है। इस गियर की कुछ खास बात है, एक तो यह वॉर्म और राउंड गियर दोनों का रोटेशनल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ वॉर्म गियर ही राउंड गियर को रोटेट करवा सकता है, लेकिन राउंड गियर वापस वॉर्म को रोटेट नहीं करवा सकता। इसका फायदा यह होता है कि यदि मोटर और ब्रेक फेल भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि लिफ्ट फ्रीली हाई स्पीड में नीचे की तरफ जाएगी। इस राउंड गियर की शाफ्ट से लिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा रहता है जिसको सीव बोलते हैं। इसी पर लिफ्ट के रोप लगे रहते हैं और एक लिफ्ट के लिए मल्टीपल रोप को काम में लिया जा सकता है। यह रोप स्टील के बने होते हैं और इनकी कैपेसिटी कार के मैक्सिमम लोड से 125% ज्यादा होती है। अब यहाँ पर जो रोप का सेटलमेंट है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एलिवेटर में स्टील फ्रेमवर्क को यूज में लिया जाता है जो कुछ इस टाइप का होता है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जितनी भी रोप है उनको परमानेंटली सेट कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से रोप जाती है काउंटर वेट के पास में। काउंटर वेट के ऊपर एक पुली लगी रहती है जो फ्रीली रोटेट करती है। इसको किसी भी मोटर से डायरेक्ट पावर नहीं मिलती है। अब इस काउंटर वेट का क्या फंक्शन है इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। काउंटर वेट से आगे रोप जाती है वापस ऊपर की तरफ सीव के पास में और इस पुली को आपको पता है मोटर से पावर मिलती है और यहाँ से रोप वापस नीचे की तरफ केब के पास में जाती है और केब के ऊपर भी दो पुली लगी रहती है जो फ्रीली रोटेट करती है और केब से होते हुए रोप को वापस ऊपर की तरफ जो लिफ्ट का स्ट्रक्चर है उससे टाइट कर दिया जाता है। अब ओवरऑल इस रोप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब केब यानी लिफ्ट नीचे जाती है तो काउंटर वेट ऊपर की तरफ जाता है और काउंटर वेट नीचे जाता है तो केब ऊपर की तरफ जाती है। दोस्तों, एनिमेशन से चीज़ें सीखना बहुत आसान होता है, इसलिए आज के टाइम में यह स्किल जबरदस्त तहलका मचा रही है। आप भी इस 3D एनिमेशन के कंप्लीट कोर्स को सीख सकते हो और इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस कंटिन्यू डेली रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है और कुछ टाइम के बाद में आप भी इसके मास्टर हो जाओगे और आप अपने खुद का अच्छा इनकम का सोर्स जनरेट कर पाओगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्स से रिलेटेड हमारी तरफ से आपको एनी टाइम एनी वेयर फुल सपोर्ट रहेगा। तो स्वागत है आपका हमारी 3D कम्युनिटी में। नाउ बैक टू द पॉइंट। काउंटर वेट बेसिकली सिस्टम को बैलेंस करने के लिए होता है ताकि मोटर ओवरलोड कंडीशन में काम ना करे, लेकिन असल में यह एकदम बैलेंस कंडीशन में नहीं हो पाता है। मान कर चलते हैं इस कार का वजन 500 केजी है और 500 केजी का हम साइड में काउंटर वेट लगा देते हैं तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट में दो आदमी बैठेंगे तो यह फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास में एक तरीका तो है इसके अंदर वेट रखा जाए बैलेंस करने के लिए, लेकिन चलती लिफ्ट में यह कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मान कर चलते हैं
कैब का वेट 500 केजी है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी 1000 केजी है, तो काउंटर वेट साइड में रखा जाएगा कार का वेट प्लस हाफ ऑफ टोटल कैपेसिटी होता है, यानी साइड में काउंटर वेट 1000 केजी रखा जाएगा। अब यदि लिफ्ट खाली है तो काउंटर वेट 500 केजी ज्यादा है और लिफ्ट फुल होगी तो 500 केजी कम हो जाएगा। इसका मतलब है लिफ्ट हमेशा अनबैलेंस ही रहती है, फिर भी काउंटर वेट को लगाया जाता है क्योंकि लिफ्ट ना ही तो हमेशा खाली रहती है और ना ही हमेशा फुल रहती है, तो मैक्सिमम टाइम लिफ्ट बैलेंस रह सके और मोटर को अननेसेसरी लोडिंग से बचाया जा सके इसलिए काउंटर वेट लगाया जाता है। अब कैब फ्रीली अप डाउन नहीं करती है, कार के साइड में गाइड रेल लगी रहती है टी शेप की और कार के ऊपर 3 व्हील लगे रहते हैं जो इस गाइड रेल पर कुछ इस तरीके से चलते हैं और यह व्हील कार के दोनों साइड में होते हैं। सेम ऐसे व्हील काउंटर वेट के लिए भी लगे रहते हैं गाइड करने के लिए। अब एक वर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं जिसमें यदि सारे रोप टूट जाएं तो क्या होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है बट हमें इसकी सेफ्टी भी चेक करनी है। जो मशीन रूम होता है उसमें एक अलग व्हील लगा रहता है, यह व्हील सेफ्टी के लिए होता है जिसको गवर्निंग सिस्टम बोलते हैं। यह व्हील लिफ्ट की मोटर ब्रेकिंग सिस्टम इन सब से एकदम अलग होता है, इसको ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, यह लिफ्ट का एकदम सेपरेट सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। इस व्हील के ऊपर भी एक रोप लगी रहती है जो कार से जुड़ी होती है और नीचे एक टेंशनाइज व्हील से होते हुए वापस इस गवर्निंग व्हील के पास में पहुंचती है। जब लिफ्ट अप डाउन होती है तो यह गवर्निंग व्हील भी रोटेट करता है। यह व्हील लिफ्ट की स्पीड को चेक करता रहता है और इसमें लिफ्ट की स्पीड को सेट किया जाता है। मान कर चलते हैं लिफ्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। अब यदि कैब की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से 15% कम या ज्यादा हो गई तो यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। जैसे ही मेन रोप टूटती है तो कैब स्पीड में नीचे जाना शुरू करेगी और इस व्हील के अंदर पिन होती है जो नॉर्मल कंडीशन में व्हील से अलग रहती है, और जैसे ही व्हील स्पीड में रोटेट करेगा तो यह पिन कुछ इस तरीके से व्हील को रोक देगी और व्हील के रुकते ही रोप भी रुक जाएगी, और रोप के रुकते ही कार के नीचे एक लीवर लगा रहता है जो रोप से जुड़ा होता है। जब रोप रुकेगी तो लीवर अपने आप ही ऊपर की तरफ पुल होगा और लीवर के साथ में कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि गाइड रेल के दोनों तरफ वेजेस लगी रहती है, वह गाइड रेल को टच करेगी और उस पर फिसलने लग जाएगी, और लीवर जैसे जैसे टाइट होता जाएगा तो वेजेस गाइड रेल को जबरदस्त तरीके से पकड़ लेगी और जैसे हमारी गाड़ी के ब्रेक लगता है वैसे यहाँ पर भी ब्रेक लग जाएगा। अब मेन रोप के टूटते ही लिफ्ट बहुत नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही फीट नीचे की तरफ जाएगी और ब्रेक लग जाएंगे और लिफ्ट में बैठे हुए लोगों को हल्का सा एक झटका महसूस होगा। मानकर चलते हैं इससे भी खराब कंडीशन, यदि यह ब्रेक भी फेल हो गए तो क्या होगा। जब कैब नीचे ग्राउंड से टकराने वाली होती है तो वहां पर हाइड्रोलिक बफर लगे रहते हैं जो एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, और कैब जब नीचे इन स्प्रिंग पर गिरती है तो कैब में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है जैसे खिलाड़ी ने बॉल को कैच किया है। अब यहाँ पर झटका तो लगता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। बट दोस्तों बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही एलिवेटर फेल हो सकती है जैसे कोई भूकंप आ गया, क्योंकि इसके कंट्रोल सिस्टम में मोटर की स्पीड, ब्रेक सिस्टम, लिफ्ट स्पीड और करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी हर चीज की मॉनिटरिंग की जाती है, तो लिफ्ट के फेल होने के चांस ना के बराबर होते हैं। अब दोस्तों ऐसा 3D एनिमेशन आप भी सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर है उस काम को शुरू कर दिया जाए। अब अपनी जो कंटेंट लाइब्रेरी है उसको हमने बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश की है और फ्यूचर में उसको और अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इस बेहतरीन फ्री कंटेंट लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू दोस्तों।